ओडिशा के बलांगीर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा पर संविधान को नष्ट करने और आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर भाजपा यह चुनाव जीतती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर देगी और देश को 22 अरब की चलाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बलांगीर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और बीआर अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित विचारों को बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया तो आम लोगों, उनकी जमीन, आरक्षण व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी बोले, इंडिया ब्लॉक गठबंधन 4 जून को सरकार बनाएगी। हमारी सरकार करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाएंगी। प्रत्येक परिवार की एक महिला के बैंक खाते में सालाना 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। हम आरक्षण व्यवस्था हटा देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं सकती है। केंद्र सरकार ने 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। दिल्ली में 90 अधिकारी सरकार चला रहे हैं, जिनमें से 3 दलित हैं। हम सरकार में आएंगे तो करोड़ों करोड़पति बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, उससे हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे और कर्ज माफ करेंगे। ओडिशा में कई परिवार मनरेगा श्रमिक के रूप में काम करते हैं। आशा आंगनवाड़ी में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों को 250 रुपए दे रही है, जबकि इंडिया ब्लॉक गठबंधन आपको 400 रुपए का भुगतान करेगी। इसी तरह चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगार स्नातकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते ही आरक्षण व्यवस्था हटा देंगे। जातीय जनगणना होगी, सभी वर्गों की गिनती होगी। प्रत्येक परिवार से एक महिला को लखपति बनाया जाएगा। महिला के खाते में 4 जुलाई को पहली किस्त के रूप में 8,500 रुपए भेजे जाएंगे। प्रत्येक महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। एक साल के अंदर 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया जाएगा। सार्वजनिक सभा में गांधी ने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी के विचारों को बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया तो आम लोगों के अधिकार, उनकी जमीन, आरक्षण व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। गांधी ने लोगों को चेतावनी दी कि संविधान के विनाश के बाद देश पर 22 अरबतियों का नियंत्रण हो जाएगा। मैं चाहूँ मुक्ति, मैं चाहूँ मुक्ति, मैं चाहूँ मुक्ति, मैं चाहूँ प्रगति, मैं चाहूँ प्रगति, मैं चाहूँ प्रगति, मैं चाहूँ क्रांति, मैं चाहूँ क्रांति, मैं चाहूँ क्रांति, मैं समस्त शांति चाहूँचु। नवीन हटाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, नमस्कार, जय हिंद, जय कांग्रेस। नवीन बाबू पूरा खाई देने ओडिशा के, जाने छो तो ओडिशा में बहुत सारे परिवार मनरेगा का काम करते हैं, बहुत महिलाएं आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं। उन परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी आपको मनरेगा में 250 रुपए देते हैं, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, उन परिवारों को कहना चाहता हूं, जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है उतना, उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। मैंने रोजगार की बात कही, फैक्ट्रियों की बात कही, मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। और युवाओं के लिए
हम एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। एक साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठका ठक अंदर। साल का 1,00,000 रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के जेब में, बैंक अकाउंट में। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों।